नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सत्यनाम पॉइंट। एक्चुअली नीरोथेरेपी जब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, नीरोथेरेपी जब शुरुआत हुई तो ये सत्यनाम का पॉइंट पहले बना, और नीरोथेरेपी जैसे डेवलप होती चली गई हमारा हेड रिलैक्सेशन पॉइंट बाद में आया। मतलब बहुत सारे पॉइंटों को मिलाकर एक हेड रिलैक्सेशन टेक्निक जिसको हम सिर हल्का कहते हैं, ये बहुत सारे पॉइंटों की मिलावट है। अगर हम एक ही पॉइंट से दर्द के लिए देते थे पहले के समय पर तो वो था सत्यनाम का पॉइंट। तो हेड रिलैक्सेशन का पहला पॉइंट जो है वो सतनाम का ही पॉइंट है, जिसमें हम पेशेंट को जिनको सिर दर्द है उनको यहाँ से दोनों हाथों को मिक्स करके, दोनों हाथों की उंगलियों को दबाकर हल्का सा प्रेशर बनाकर जो हमने यहाँ क्लॉकवाइज किया और पीछे की तरफ मिला दिया, इसी को हम सतनाम पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हल्का सा क्लॉकवाइज किया और पीछे मिला दिया, तो 5 से 7 बार आप इसको करेंगे तो ये जो अकेला पॉइंट है ये सतनाम का पॉइंट है, यानी कि हेड को रिलैक्स करने की पहली टेक्निक ये सतनाम की पॉइंट कहलाती है। इस तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज करके 5 से 7 बार हम करेंगे तो ये इससे भी केवल इतने मात्र से भी सिर हल्का आपका हो जाएगा, यानी कि सिर में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपका सिर में जो भारीपन है, सिर दर्द है, उसमें आराम आ जाएगा। तो 5 से 7 बार जब आप ये करते हैं तो इसको हम सतनाम का पॉइंट न्यूरोथेरेपी में कहते हैं। और आजकल इसका बड़ा रूप है, बहुत सारी इन इसी तरीके के पॉइंटों को मिलाकर पूरी एक टेक्निक बना दी है जिसको हम हेड रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, या शॉर्ट में हम सिर हल्का भी बोलते हैं। तो ये सतनाम का पॉइंट शुरुआती पॉइंटों में से एक था जो सिर दर्द को ठीक करने में यूज होता था।